ऑल और मैं 117 किंग बैक टू अगेन विद न्यू ब्लॉग। सो गाइज, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कौन सा ब्लॉग बनाऊँ और कहाँ जाऊँ, तो मैं अभी एक घंटे से वही ढूंढ रहा था गूगल पे, ये सब ढूंढे ढूंढे मुझे एक प्लेस मिला है। मैंने उसके फ़ोटोज़ देखे, वहाँ के वीडियोज़ भी देखे थोड़े बहुत, बहुत कम लोगों ने वहाँ के ब्लॉग बनाए, तो मैं सोच रहा था वहाँ पर जाऊँ। वहाँ पर अभी तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा दूर भी है, तो गाइज मैं कल जाऊँगा और वो प्लेस को पूरा एक्सप्लोर करूँगा। बहुत प्यारा प्लेस है और वहाँ का पहली बात तो वहाँ पर नाइट व्यू भी और फोटो शूट के लिए तो बहुत सही है यार। अभी ये सब तो मैंने फ़ोटोज़ देख के अंदाज़ा लगाया, वहाँ पर जाके मुझे अच्छे से मालूम पड़ेगा, तो पूरा व्लॉग देखना। और गर्मी की वजह से तो मैं दिन भर बाहर नहीं निकलता, अभी बाहर निकला हूँ तो जस्ट देखो अभी भी इधर गर्मी लग रहा है मुझे। कोई नहीं, तो कल जाता हूँ मैं, पूरा व्लॉग देखना और क्या क्या होने वाला मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं फ्यूचर तो देख नहीं सकता ना, तो कुछ नहीं, देखते हैं, मिलते हैं। मेरे न्यू व्लॉग कैसा होगा और एक्सपीरियंस कैसा होगा वहाँ का, ठीक है? तो गाइज पूरा व्लॉग देखना, बाय। सो गाइज, ये है खारकोपर स्टेशन, जो वासी सीवो ड्राइव से आपको ट्रेन मिलेगी और यहाँ पर आपको रिक्शा अवेलेबल है। ये रामबाग का एंट्रेंस है, पर पर्सन 30 और डायरेक्ट आओगे तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा मत देना। उसके बाद ये देखो मैं सो गाइज अभी मैं हूँ रामबाग में, जो कि नवी मुंबई का सबसे प्यारा लोकेशन है। और यहाँ पर ना गाइज इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स है और नेचुरल तो पूछो ही मत, बहुत नेचुरली प्लेस है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है ये प्लेस। अभी मैं जस्ट एंट्री मार रहा हूँ और बाहर तो रिक्शा अवेलेबल, बट यहाँ पर आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट अभी मैं पहले एक्सप्लोर करता हूँ, बाकी का इधर मैं देखता हूँ क्या है। ये एंट्रेंस का व्यू है और बहुत ज़्यादा क्लीन है और साफ़ सफाई का इन लोगों ने ध्यान रखा है। सामने है ना कैंटीन से, आओ छोड़। और यहाँ पर एंट्री, तो यहाँ से देखते हैं गार्डन कितना बड़ा है। एक्चुअली ये प्लेस में फर्स्ट टाइम है, बट देखते प्लेस शांति है, नेचुरली बहुत प्यारा प्लेस है ये। और यहाँ पर क्लीनलीनेस तो भाई बहुत सही है, यहाँ पर इन लोग ने इतना साफ़ सफाई रखा है एंट्रेंस से लेकर, मैंने अभी तक देखा कोई भी कचरा नहीं है। ऐसी मुंबई में भी रखते तो ज़्यादा बेटर रहता था, मुंबई के हर एक गार्डन में लोग इतना कचरा कर देते कि सीरियसली गाइस बहुत बेकार लगता है वो सब चीज़ मुझे। बट ये इधर अभी एंट्रेंस तक तो मैंने देखा बहुत साफ़ सफाई है और क्लीन है, आजू बाजू में रिक्शा भी है, बट आने में प्रॉब्लम है। अभी आगे पूरा एक्सप्लोर करता हूँ मैं। कितना मस्त पॉइंट है यहाँ पर, अगर फोटो शूट करा जाना यार तो बहुत सही फोटो आएगा। इसके मिडल में खड़े होके स्टैंड पोज दे, सीरियसली बहुत सही फोटो आएगा, देखते। सो गाइस ये हो गया एक पॉइंट, अभी देखते हैं यहाँ पर और कितने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फोटो शूट तो करने में बहुत मजा आएगा। और गाइस पहले बता रहा हूँ ये लोकेशन बहुत हिडन है, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जितना हो सकता है उतने लोगों को लेके, और कपल्स के लिए तो बहुत प्यारा प्लेस है ये, मुझे बहुत पसंद है। कपल के लिए देखो फोटो शूट करने के लिए अच्छा है वो, तू भी आ जा तेरे बॉयफ्रेंड के साथ भाई। लेकिन यहाँ पर आने के लिए बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। फ्लावर्स देख भाई, ये नेचुरल कलर है सही में यार, ये देख कितना पर्पल है। और एक ये पॉइंट है डबल हार्ट गाइस, ये रात के टाइम पे यहाँ पर लाइटनिंग होगा, इसमें मैंने फ़ोटोज़ में देखा था। दिवाली के टाइम में तो भाई ये पूरा गार्डन ज़्यादा सजा देते, यहाँ तक मुझे मैंने इसके इन्फॉर्मेशन निकाला। चलो यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट हो जाए। क्लोजअप में, क्लोजअप में, जस्ट इमेजिन कि इधर मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसा फ़ोटो निकाल रहा हूँ। और ना गाइज इसके जस्ट पीछे में ही एक मिनी ओपन हॉल जैसा, जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लोग ये देखो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए, यहाँ पर कोई परफॉर्म कर सकता है, डांस कर सकता है, देन गिटार बजा सकता है, गाने गा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है भाई वो सब।
बट मुझे ये सब कुछ आता है नहीं, बस व्लॉगिंग वीडियोस बनाने आते। तो अगर तुम लोग ने भी मेरे वीडियोस देखा है रील शॉर्ट्स तो सजेस्ट करो ज़रा मुझे, उसके पीछे ही था। तो गाइज ये पूरा प्लेस जो है पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और इस तरह का सन व्यू बहुत सही है। ये देखो कितना साफ़ सफाई रखा है इन लोगों ने। वहाँ पर देखो यहाँ पर लोग पिकनिक भी बना रहे हैं, मतलब फैमिली के साथ यहाँ पर आके टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है गाइज। जैसे कि मुंबई में एक गार्डन है हैंगिंग गार्डन, उसके ज़्यादा बेटर ये गार्डन है यहाँ पर, क्योंकि क्लीन हाउस यहाँ पर जो फ्लावर्स के कलर है ना नेचुरली बता रहा हूँ बहुत प्यारा लग रहे थे, मतलब प्यारे लग रहे थे वो सब। और ये स्टोन है यहाँ पर फोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो गाइस बाजू में ये वॉशरूम भी दिया हुआ है, वो भी साफ़ सुथरा है। तो आओ आप भी अपने फैमिली के साथ। हार्ड शेप में एंट्रेंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन नवी मुंबई खार कोपर रामबाग जिसका नाम है, आगे एक्सप्लोर कर दे। पहले भी यहाँ पर लोग ने साफ सफाई रखा है उसकी वजह से ये प्लेस ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये देखो गाइस ये गार्डन ख़त्म ही हो रहा नहीं है और यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स है फोटो शूट करने के लिए, आराम करने के लिए, फैमिली के साथ विजिट करने के लिए कि पूछो ही मत। और यहाँ पर देखो एक और बाथरूम है, मतलब वॉशरूम है, और बाजू में एक तालाब है। ये बीच में इन लोग है ना मतलब गेट वेट बनाने वाले, गेट आई थिंक गार्डन पूरी तरह से बन के रेडी हुआ नहीं है इसलिए शायद। और ये देखो सामने तालाब का व्यू कितना ही सही आ रहा है यार, कितना सही आ रहा है व्यू। सामने उधर ग्राउंड है, ये देखो राम मंदिर। सबसे अच्छी बात यहाँ पर पानी भी साफ है, कचरा नहीं है। सो गाइस आओ यार अभी दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ, वो वाला पॉइंट भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर सुकून मिल रहा है यार, एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर ये देखो बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी है, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए जो कि बहुत सही है। बट ये थोड़ा मुंबई से दूर पड़ता है, नवी मुंबई खार कोपर, मतलब सीवूड से ट्रेन पकड़ना पड़ता है। जिसकी लोकेशन तो मैं एड्रेस में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ्लावर्स इतने सारे और इतने सुंदर फ्लावर्स दिख रहे थे, क्या ही बोलूँ। यहाँ पर ये मीटिंग करने के लिए बैठे लगता है सब। अच्छा ये पॉइंट भी बहुत सही है, अभी 3D व्यू में देख लो ज़रा। ये देखो गाइस कैसा लग रहा है ना भाई साहब, सुकून ना सुकून, एक अलग ही, मतलब बारिश के टाइम भी जगह का क्या होता होगा फिर, क्या ही है यार मस्त। ये ज्यादा झूला नहीं है, आप लोग को झूल रहे नहीं? हाँ चल कंचन आली आ जा। ये है एंट्रेंस, आराम से आ। सो गाइस बहुत बड़ा गार्डन है और ये रहा फव्वारा जो कि अभी चालू नहीं किया है पानी, लेकिन देखो गाइस इतना साफ है यहाँ का, फिर खुद जज कर लो कि मतलब अभी यही चीज़ अगर मुंबई में होता और पानी इतना साफ़ होता था क्या, खुद जज करो। ये यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये देखो यहाँ के कपल्स जो फोटो शूट कर रहे, आई थिंक इनकी शादी होने वाली है, तो इनका टाइटेनिक वाला पोज चालू हो चुका था, नीचे कैमरामैन था जो फोटोशूट निकाल रहा है। सही है भाई, चलो अभी मैं भी ऊपर जाता हूँ और ऊपर से पूरा व्यू दिखाता हूँ आप सबको। लेट्स गो। एक मिनट का हाथ
यहाँ से व्यू देखो गाइस, कितना सुकूनदायक व्यू है। ऑरेंज स्काई ब्लू, एक बहुत सही व्यू है यार ये, टाइटेनिक वाला व्यू। काश यहाँ पर मैं रहता, बट ये बहुत दूर है खारखोपर। सीवूर से चेंज करना पड़ता है, सीवूर से दो स्टेशन के बाद ही आता है। ये देखो गाइस, कैंटीन भी यहाँ पर है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, बट थोड़ा महंगा है। मैगी यहाँ पर 30 रुपये का, डबल ऑमलेट पाव 60 रुपये का। मैंने ये सब का रेट पूछा था तो मैंने थम्स अप लिया, और ट्रेन का मैंने चेक किया था तो 7:45 का था, तो मैं सोचा मुझे निकलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुका था और नेक्स्ट ट्रेन था 9:45 का, टोटली 2 घंटे बाद। तो छोड़ो ये सब देख लो रेट वेट जो तुम्हें दिखना है। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। सो गाइस, मैं पहले ट्रैवलिंग का अच्छे से बता देता हूँ कैसे आना करके। देखो गाइस, अगर आप समझो हर्बल लाइन से आ रहे हो तो वासी से पहले आप लोग नेरल आना, नेरल से उतर के प्लेटफॉर्म नंबर 3, नेरल या सीयूर, सीयूर में मैं बोलता सबसे बेस्ट होगा, सीयूर में उतर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आपको है ना खारखोपर का ट्रेन मिलेगा। वहाँ से आपको है ना ईस्ट में आना है, और रिक्शा वाले शहरी है ना तो कम से कम 30 रुपये लेंगे ऑलमोस्ट, और पर्सनल जाओगे तो 100 रुपये लेंगे। और सबसे बेस्ट प्लेस है, पूरा ब्लॉग देखो तो थैंक यू, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग के साथ।